हेलो स्टूडेंट, आई नेहा मिगलानी, वेलकम टू दिवाकर एजुकेशन हब। टुडे आई एम हेयर टू गिव यू द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस पार्ट 3। दिस इज माय थर्ड वीडियो इन दिस रिगार्ड। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस द वेरियस स्टेप्स विच आर बीइंग फॉलोड फॉर डूइंग द रिसर्च। So, in this video, we are going to discuss the next steps of the research process. So, in my previous video, I have discussed the 5 to 6 steps of the research process, and we have stated that there are 10 to 9 steps are being followed for doing the research. First one is, firstly, you have to develop the topic, then develop a problem. After developing the problem, you have to decide the objectives. After deciding the objectives, you have to decide your working hypothesis. And after that, you have to prepare your research design. So all 5 to 6, I think 4 to 5 steps are being discussed in my previous video. In this video, we will move further. So what are the next steps? So let's start. Starting my video, I just want to say that just download the Divakar Education Hub app from the Google Play Store. In this app, you can easily get the UGC NET Paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC NET. And then you can also read free study notes from the paper 1 and 2. And you can also get some announcements are being done under the Divakar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to install Divakar Education Hub app from Google Play Store. So this is our next step after designing the research. रिसर्च डिज़ाइन हमने किया। रिसर्च डिज़ाइन में हमने ये चीज़ देखा कि आपको सबसे पहले जितना भी काम करना है, जैसे भी वर्क करना है, जैसे भी आप आगे स्टडी को कंटिन्यू करके चलोगे, उसके लिए आपको रिसर्च को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आपको डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिज़ाइनिंग में आप क्या करते हो कि आप रिसर्च को डिज़ाइन करते हो कि आपकी स्टडी कैसी स्टडी होगी। आपकी स्टडी प्राइमरी बेस्ड स्टडी है कि आपकी स्टडी सेकेंडरी बेस्ड स्टडी है। अगर आपकी स्टडी प्राइमरी बेस्ड स्टडी होती है तो आप कौन कौन से मेथड के थ्रू आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे। अगर आपकी स्टडी सेकेंडरी बेस्ड स्टडी है तो आप कौन कौन से मेथड को यूज़ करके अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करोगे। सो दिस थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड अंडर दिस अवर रिसर्च डिज़ाइन। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सैम्पल डिज़ाइन प्रोसेस कि आपको अपने सैम्पल को सिलेक्ट करना होता है। सैम्पल को सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, आपकी जो पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप उस साइज़ और उस उतनी जब बड़ी पॉपुलेशंस में आप अपनी स्टडी को कंडक्ट नहीं कर सकते हो, देन यू विल टेक ए सैम्पल फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। आप वहाँ से सैम्पल उठाते हो अपने पॉपुलेशन में से और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कि आपने सैम्पल डिज़ाइन तो आपने कर लिया, तो इसके लिए आपको बहुत सारे आपके पास मेथड्स अवेलेबल होते हैं। प्रोबेबिलिटी मेथड्स आर देयर, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स आर देयर, एवरीथिंग आर देयर, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके आप अपने सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद आप अपनी रिसर्च को कलेक्ट करना शुरू कर देते हो। रिसर्च आपके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आप कलेक्ट करते हो, अब उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने डाटा को। सो इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है? द रिसर्चर मस्ट प्रॉपरली मैनेज एंड ओवरसी द डाटा कलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो होते हैं वो प्रॉपरली अपने डाटा को मैनेज करके चले और अपने डाटा प्रोसेस कलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बिल्कुल
अपने ऑब्जर्वेशंस रखें. सो इफ़ द इंटरव्यू मेथड इज़ यूज, अगर आप इंटरव्यू मेथड को यूज़ करके चल रहे हो, द रिसर्चर मस्ट ट्रेन इंटरव्यूअर्स. जो रिसर्चर होता है वो एक वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर भी होना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने प्रोसीजर को अच्छे से डिवेलप करे ताकि उनको कंट्रोल कर सके और उनकी क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू को मेंटेन करके चल सके. सो इसमें यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन में जो भी आपने मेथड्स चूज़ किए हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपको डाटा कलेक्शंस आपकी होनी शुरू हो जाए. तो इम्प्लीमेंट करने के लिए यू शुड बी वेरी वेल ट्रेन्ड रिसर्चर. ठीक है, आप एक वेल ट्रेन्ड रिसर्चर्स होने चाहिए ताकि आप जैसे भी इंटरव्यू कंडक्ट करो वो अच्छे से आपका इंटरव्यू जो है वो मैनेज हो सके और अपने डाटा को और प्रोसीजर्स को आप कंट्रोल कर सको. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, अब आपको एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोजेक्ट को. एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, आपने जितनी भी डाटा के लिए आपने जो भी अपने प्लानिंग की है अब उसको एग्जीक्यूट करना है रियल लाइफ में, उसको स्टेप्स को आपने फॉलो करने हैं और अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू करना है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, डाटा कलेक्शन थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर कैन बी मशीन प्रोसेस्ड कोडेड. इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने जो भी डाटा कलेक्ट करने हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए, क्वेश्चनियर्स आपके बिल्कुल मशीन प्रोसेस्ड में क्रिएट होने चाहिए. फिर उसके बाद फॉर इंटरव्यू प्रॉपर अरेंजमेंट मस्ट बी मेड. अगर आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट पहले से ही मेंटेन करके चलने पड़ेंगे. प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरव्यूअर्स, अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शंस करनी है, ट्रेनिंग आपको इंटरव्यू को देनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग के साथ आगे अच्छा रिजल्ट आपको दे. With the help of instructions, manual or direct instructions, आप लोग पहले से ही instruction manually respondent को clear कर दीजिए या फिर आप जो है manually उनको आप clear करके दीजिए. With the lack of alternate result may be wrong. एक चीज़ और आपको बता दी जाए, अगर आपकी जो है अभी भी आपकी study में जो अभी भी lack है, अगर आप alternative ways के through आप data collection नहीं कर रहे हो तो आपकी study के wrong होने के chances और भी ज़्यादा होते हैं. अब डाटा को आपने एनालाइज करना है कि डाटा आपने कि बिल्कुल एनालाइज करके चलना है. एनालाइज करने के लिए आप क्या करते हो अपने डाटा को, आप जो है एनालाइज करने के लिए आप जो है अपनी स्टडी के लिए क्या करते हो एनालाइज करने के लिए, आपने सबसे पहले क्रिटिकल एग्जामिनेशन करनी है अपनी स्टडी की. ठीक है, जिसमें आपने क्रिटिकल एग्जामिन करना है कि आपका जो भी डाटा है वो रियल वर्थी है कि नहीं है, कि आपका डाटा जो है वो रॉन्ग है. ठीक है, टास्क आपने देखने हैं कि आपके टास्क की रिक्वायरिंग कितने स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है. सिलेक्शन ऑफ द टूल्स देखने हैं कि आपने कौन कौन से टूल्स के थ्रू आपने अपने डाटा को कलेक्ट किया है. इरेलेवेंट एनालिसिस शुड बी अवॉइडेड, अगर कोई इरेलेवेंट एनालिसिस हो रहा है तो उसको हमने अवॉइड करना है. कंप्यूटर एडेड रिसर्च. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब अगर आपका डाटा अगर कलेक्ट हो जाता है, आपने उसको एनालाइज कर लिया, अब आपने जो है उनके ऊपर अपने हाइपोथेसिस जो आपने पहले से बनाए थे उनको आपने प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करनी है. प्रूव या डिसप्रूव करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने बोला है कि वो आप अपने स्टडी करने से पहले आपने जो कुछ भी कहा है वो अभी भी ट्रू वर्थी है कि नहीं है, आपके रिजल्ट वो आपको रिजल्ट जो आपके फाइंडिंग्स है वो आपको वही रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. सो आफ्टर एनालाइज द रिसर्च टेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस. अब हमने जो है हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट करना है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाए हैं वो एक्सेप्ट करने हैं कि रिजेक्ट करने हैं. सो बहुत सारे टेस्टर्स इस चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं, लाइक काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारे जो हाइपोथेसिस है वो गलत थे कि सही है. अगर गलत है तो उनको हम रिजेक्ट करेंगे, अगर सही है तो उनको हम एक्सेप्ट करेंगे.
आफ्टर दैट जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. अब हमने लास्ट में हमने क्या करना होता है, अपनी स्टडी को जर्नलाइज करना होता है और इंटरप्रिटेट करना होता है. सो हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड अपहेल्ड सेवरल टाइम्स. हाइपोथेसिस जो होते हैं वो टेस्टेड होते हैं और अपहेल्ड करते हैं हम सेवरल टाइम्स. जर्नलाइजेशन की पॉलिसी को हम लेके चलते हैं, थियोरी बनाते हैं, रियल वैल्यू ऑफ रिसर्च को हम एक जर्नलाइज फॉर्म में लेके चलते हैं. इफ़ रिसर्च स्टार्टेड विद नो हाइपोथेसिस, अगर आपकी रिसर्च जो होती है वो कोई भी हाइपोथेसिस के साथ स्टार्ट नहीं होती है, फाइंडिंग्स में भी रिलेटेड टू सम एग्जिस्टिंग थियोरी इंटरप्रिटेशन, अगर फाइंडिंग्स हमारी उस चीज से रिलेटेड नहीं होती है तो हम उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट. ये क्या होता है, द रॉ रिसर्च डाटा नीडेड टू बी एडिटेड. जो भी हमारे पास जितना भी डाटा रॉ फॉर्म में हमने डाटा अवेलेबल करके रखा होता है, अब उसको हमने एडिट करना होता है और एक टेबल फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है और उनको एनालाइज करना है और उनको इंटरप्रिटेट करना है. दिस मेथड यूज्ड बाय मैनुअल और कंप्यूटर बेस्ड. ये मेथड जो एनालाइज करने का जो तरीका होता है, जो आप मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को भी यूज, SPSS लाइक सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप यूज करके आप अपनी स्टडी को कर सकते हो. द एनालाइज प्लान फॉलो फ्रॉम द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. जो एनालाइज प्लान होती है वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी को फॉलो करके आगे चलती है. द एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ द स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम. इसमें एसोसिएशन और रिलेशनशिप जो भी हम वेरिएबल्स के बीच में निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक फॉर्म में उनको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं. तो एनालाइज का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास जितना भी रॉ डाटा अवेलेबल होता है, रॉ डाटा जितना भी हमारे पास अवेलेबल होता है उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डाटा को, तो वो हमारी कौन सी स्टडी होती है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा. Analyze of the study. This process is the most important process in the research as the result are generated on the basis of data presentation. After the data collected, this should be edited, this should be coded, this should be transcribed and then corrected if required and then validated. इन सभी चीज़ों को हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं. Multivariate technologies are used for the analysis and multiple measurement of each element of unit in the sample data. तो multiple हम instruments हम इसमें लेके चलते हैं. Now interpretate the data. अब हमने डाटा को इंटरप्रिटेट करना है. डाटा को इंटरप्रिटेट करने का मतलब क्या होता है, जो भी हमने डाटा को पहले कलेक्ट किया है फ्रॉम द स्टोर्स एंड कंज्यूमर, जहाँ से भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है, अब उनको हमने एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर के साथ. उसके बाद हमने जो है कंक्लूजन से निकालने हैं हमारे डाटा से रिलेटेड. फिर हमने ये देखना है कि हमारा डाटा जो है सक्सेस कर रहा है कि फेल हो रहा है. तो ये सारे हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा होते हैं. अब प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, सब कुछ एनालाइज हो गया है, सब चीज़ें हमने कर ली है, कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर लिए हैं, हमने सजेशंस भी बना लिए हैं, अब हमने रिपोर्ट प्रिपेयर्ड करनी है. रिपोर्ट पर बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. पहला स्टेप होता है आपका प्रिलिमिनरी पेज होता है, फिर देन मेन टेक्स्ट होगा, देन अपेंडिसेस एंड बिब्लियोग्राफीज होती है. प्रिलिमिनरी पेज में आप क्या लेते हो, अपने प्रॉब्लम का टाइटल, फिर आप उसमें डेट क्या है आपका, एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड्स, टेबल्स आप लेके चलते हो कि आपकी स्टडी के टेबल ऑफ कंटेंट होगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स. फिर मेन टेक्स्ट में आप क्या लेते हो, इंट्रोडक्शन लेते हो, आपकी जो भी स्टडी है उसकी पूरी इंट्रोडक्शन आप समराइज करते हो, फिर समरीज निकालते हो, जो भी आपने फाइंड आउट किया उसकी समरी निकालोगे, फिर मेन रिपोर्ट आप प्रिपेयर करोगे एंड देन कंक्लूजन, देन लास्ट में आप अपेंडिस एंड बिब्लियोग्राफीज लिखते हो. अब प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनल रिसर्च रिपोर्ट. फाइंडिंग और प्रेजेंटेड ऑफन बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी इन क्लियर एंड कंसाइज वे. ये तो हमने बताया है, आपकी जो फाइंडिंग्स होनी चाहिए वो बिल्कुल ही प्रेजेंटेबल होनी चाहिए और आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इसमें वो बिल्कुल ही आपकी क्लियर एंड कंसाइज वे में रिप्रेजेंट होनी चाहिए. सो इट इज़ अ रिपोर्ट दैट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड रिजल्ट टू द क्लाइंट. ये ऐसी रिपोर्ट होती है जिसको प्रॉपरली आपने प्रिपेयर करनी है और फॉरवर्ड करनी है अपनी क्लाइंट को. सो फीचर्स अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एक गुड रिसर्च के क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट फीचर होता है कि ऑब्जेक्टिविटी होती है आपकी स्टडी जो है, ऑब्जेक्टिव बेस जो भी स्टडी होती है वो आपने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ कंटिन्यू करनी है. आपकी स्टडी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रू वर्थी आंसर दे, प्रिसिशंस होनी चाहिए. प्रिसिशंस मतलब बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जितनी भी प्रीवियस फाइंडिंग्स हो चुके हैं उनसे बिल्कुल ही अलग वे से आपने रिप्रेजेंट करनी है.
सिस्टमेटिक वे से आपने वर्क करके चलना है अपनी स्टडी में. दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गुड रिसर्च. लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिकल बातें करनी है, लॉजिकली आपने इसमें डाटा रिप्रेजेंट करना है. कोई भी अनलॉजिकल वे से काम इसमें अलाउड नहीं है. कंट्रोल, वेरिएबल्स के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है. सो दीज आर द फीचर्स एंड जर्नलिस्ट एबिलिटी. ठीक है, जर्नलाइज एबिलिटी होनी चाहिए आपकी स्टडी की. ठीक है, सो फ्री फ्रॉम बायस, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर द फीचर्स एंड रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए आपकी स्टडी जो है दोबारा से प्रोड्यूस हो, एक एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च. सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडे टॉपिक एंड आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड वॉट आर द रिसर्च प्रोसेस बाय दिस टॉपिक. आई हैव फिनिश्ड माई टॉपिक नाउ एंड इफ देर इज एनी डाउट लेफ्ट आई विल टेक माई लाइव सेशन फ्रॉम टुमारो सैटरडे एंड संडे. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड इफ देर इज एनी डाउट लेफ्ट वी विल डिस्कस इन टुमारो. थैंक यू सो मच. बाय दिस माई टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कंप्लीटेड. थैंक यू.